लोन लेकर उसके पश्चात लोन की किस्त ना देने वाली टोली का भंडाफोड़ करते हुए हुड़केश्वर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ऐसी जानकारी पुलिस निरीक्षक चिंतरंजन सांदूरे ने दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि 8 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें करीब 3 करोड़ की धोखाधड़ी का होने का अनुमान लगाया जा रहा है। कई बार आपने बैंक के नाम पर धोखाधड़ी किए जाने के मामलों के बारे में सुना होगा, लेकिन हुड़केश्वर पुलिस थाना अंतर्गत एक ऐसा मामला सामने आया है जहां बैंक के साथ ही करीब 3 करोड़ की धोखाधड़ी हुई। पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार हुड़केश्वर पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले मानेवाड़ा चौक स्थित आंध्रा बैंक मानेवाड़ा, जो अब यूनियन बैंक है, वहां की टीम द्वारा एनपीए के तहत जो भी लोग हैं उनका डाटा चेक किया गया, जिसमें कई लोगों द्वारा किश्त नहीं भरे जाने की बात सामने आई, जिसके चलते यूनियन बैंक की शाखा व्यवस्थापक शोभित घोरमारे ने इस मामले में जांच को लेकर शिकायत दर्ज की, जिसके आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 8 मामले दर्ज किए, जिसमें करीब 3 करोड़ की धोखाधड़ी होने की पुलिस निरीक्षक चिंतरंजन सांदूरी ने जानकारी दी। हुड़केश्वर पुलिस स्टेशन अंतर्गत मानेवाड़ा चौक इथे यूनियन बैंक है, तिथे पहले आंध्रा बैंक म्हणून ती शाखा होती। 2020 ती मर्ज झालेली आहे यूनियन बैंक मध्ये। त्या बैंक मध्ये यूनियन बैंक झाल्यानंतर तिथल्या व्यवस्थापनानं जे एनपीए झालेले अकाउंट आहे, जे हप्ते भरत नव्हते, यांचं त्यांच्या ॲडव्होकेटकडून त्यांनी पाहणी केली, तर त्यांना एक काही अकाउंटमध्ये जे कर्ज घेतलेले आहे त्यामध्ये अनियमितता दिसून आली आहे। तर त्यांच्या असं लक्षात आलं की बाबा, कर्ज घेताना कर्जदार जामीनदार यांनी त्यांचे खोटे जामिनासाठी अर्ज कागदपत्र जोडलेले आहेत आणि त्यावरती लोन अप्रूव करून घेतलेलं आहे, आणि त्यानंतर मग त्यांनी हप्ते भरलेले नाही आहे बँकेचे। एकंदर प्रकार बँकेच्या लक्षात आल्याने हुड़केश्वर पोलीस स्टेशन येथे त्यांनी अर्ज दिलेला होता तत्कालीन शाखा व्यवस्थापक यांनी। त्याबाबत मी बँकेकडून कागदपत्र प्राप्त करून घेतले। जे गैरअर्जदार आहे त्यांच्या जे मिळाले त्यांचे बयानसुद्धा घेतले। बता दें कि इस मसले में मुख्य आरोपी मंगेश जगताप और टोली के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है, जो झूठे दस्तावेज दिखाकर अपना लोन सैंक्शन कराते थे और उसके पश्चात उसकी किस्त नहीं भरते थे। पुलिस द्वारा इस मामले में खोजबीन जारी है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़ नागपुर।